चैनल इंडियन मोटो एडवेंचर। सो मैं अभी यहाँ पर रुका हूँ संकेत हाइट्स वडोदरा, पीछे मेरे देख रहे हो आप, और मेरे पीछे खड़ी है मेरी किया कैरेंस बेस मॉडल प्रीमियम फर्स्ट बेस। और बाकी आपको अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ ऑटो रिव्यू इसके बारे में, लेटेस्ट 2024 मॉडल फेब्रुआरी एंड अभी का लेटेस्ट मॉडल है। सो ये है BS6 वेरिएंट, और बाकी आपको मैं अभी डिटेल दिखा दूंगा पूरी की पूरी। चलिए, तो ये है फ्रंट किया कैरेंस का, फ्रंट आप देख रहे हो अभी फ़िलहाल। सो ये है फ्रंट प्रोफाइल, और इसमें DRL दी गई है, इसमें LEDs नहीं है, देख सकते हो नॉर्मल हेडलैम्प है, और फ्रंट प्रोफाइल ऐसी कुछ है, और इसकी रिम्स नॉर्मल सी है, ऐसी डिज़ाइन से इसकी आप देख सकते हो। और यह है साइड प्रोफाइल, इस पे फेंडर पे ये साइड लाइट दी गई है, इसमें मिरर में साइड लाइट नहीं है, और डोर एजिस दी गई है सभी। ये एक्चुअली हमारी जो ऑन रोड है इसी के अंदर इंक्लूडिंग सब हमें दी गई है। ये है बैक प्रोफाइल, देख सकते हो आप, और अभी चलते हैं उस साइड। ऐसा कुछ है यहाँ का भी कुछ व्यू ऐसा है, ये देख सकते हो सेम। सो हमें यहाँ पर बैक, और हाँ यहाँ पर विंडोज़ पे विंडो वाइज़र दिए गए हैं, विंडो वाइज़र, और बैक प्रोफाइल कुछ ऐसी है। यहाँ पर क्रोम दिया गया है यहाँ पर भी, और यहाँ पे भी पीछे जो टेल लाइट्स है उसको भी क्रोम दिया गया है। और ये है इंडियन कार ऑफ द ईयर 2023, और लेकिन हमारा मॉडल है 2024 का, और हमने ली है गोपीनाथ जी वडोदरा अटलादरा से। इसकी डिलीवरी हमने ली थी 4th ऑफ अप्रैल, और देख सकते हो अभी अंदर की जो प्रोफाइल है आपको दिखाता हूँ। और हाँ, यहाँ पर भी डोर एजिस दिए गए हैं, सो ये सब इंक्लूड है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हमें जो पैकेज मिला था, जो ऑन रोड गई थी, प्राइस वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में दे दूंगा आपको। सो इसका एक और बताना रह गया था, ये कलर बॉडी कलर में डोर हैंडल्स दिए गए हैं सभी, तो ऐसा कुछ है। और इसकी टायर साइज़ है 15 इंचेस, और इसका जो स्पेयर व्हील है उसका 14 इंचेस या 16 इंचेस का टायर है आई थिंक, सो ऐसा कुछ है। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये मिनिमम इसका ऑलमोस्ट 14 इंचेस से ऊपर तक का है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बढ़िया है। अभी चलते हैं अंदर। सो इंटीरियर मैं अभी आपको दिखाऊं। चलो अभी अंदर चलते हैं। सो जैसे ही हम एंटर होते हैं, यहाँ पर लॉक अनलॉक के बटन है, डोर अनलॉक लॉक, और ये पावर विंडोज़ सभी, और ये पीछे की लॉक अनलॉक स्विचेस है। यहाँ पर बॉटल होल्डर दिए गए हैं, यहाँ पर कैरेंस का बैच का जो क्रोम प्लेट है डोर एंट्रेंस पर वो दिया गया है। ये है फ्यूल का आउटलेट ओपन, फ्यूल आउटलेट ओपन। ये लेदर की सीट्स एकदम बढ़िया, अभी इससे पहले तो बेसिक सी सीट्स कवर देते थे, लेकिन बढ़िया सी अभी देने लगे ये लोग। सो चलते हैं अभी अंदर। अभी इसमें ये जो पूरा सिस्टम है उसके बारे में पूरा अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। इंफोटेनमेंट क्लस्टर जो है पूरा डिजिटल है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, ये RPM है, और ये स्पीडोमीटर है साइड में लेफ्ट साइड, और अभी तक 1083 किलोमीटर कल चल चुकी है 1083। और जैसे ही डोर बंद करते हैं, यहाँ पर पूरा सिस्टम आपको दिखाई देगा, देख लीजिए, और यहाँ पर फिर दिखाई देगा सीन्स रिफ्यूलिंग। और यहाँ पर जैसे हम लोग, ये पूरा कंट्रोल है, यहाँ पर देखिए, ये आपको पूरा इंफोटेनमेंट सब दिख जाएगा यहाँ पर। और यह है किया का बैज यहाँ पर स्टीयरिंग पे, और ये बेस मॉडल है। सो इसमें हमें जो ब्लूटूथ एंड्रॉयड और एप्पल सिस्टम है वो नहीं दी गई है,
और एसी भी मैनुअल है यहाँ पर, ये प्लस माइनस कर सकते हो आप, फैन स्पीड बढ़ा सकते हो, ये आप डायरेक्शन सेट कर सकते हो। और यह है एसी, यह नॉर्मल सा जो बाहर से आउटडोर टू इंडोर का एसी वेंट, और इंडोर यहाँ पर 12 वाट का डीसी चार्जर दिया गया है। यहाँ पर अलग से सी टाइप टू सी टाइप की भी दी गई है चार्जिंग, यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ ऐसा चार्जर है। और हमने इसके साथ ज़ेब्रोनिक्स का परचेज़ किया था, ये ब्लूटूथ स्पीकर 10 वाट का, और यहाँ पर एसी वेंट्स है। ये सब पूरी पैनल जो दी गई है यहाँ पर, पूरी की पूरी एसी वेंट है यहाँ से यहाँ तक पूरा। और ये मिरर मैनुअल एडजस्टेबल नाइट एंड डे, और ये यहाँ पर सनग्लास होल्डर है, यहाँ पर एलईडीज़ है, रीड बल्ब रीडिंग बल्ब, और ये अपना नॉर्मल सा सन वाइज़र, ये इसमें मिरर दिया गया है वैनिटी मिरर, ये सॉफ्ट हिंजिस वाली साइड हैंडल डोर, यहाँ पर एक ये ग्लोव बॉक्स दिया गया है, अच्छे से स्पेस है, बहुत ही बढ़िया स्पेस है, यहाँ पर आप बहुत सारा कुछ रख सकते हो। सो ये है, ये है हिल डिसेंट कंट्रोल, जैसे आप ये प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक्टिवेट दिखाई देगा आपको इंफोटेनमेंट में क्लस्टर के अंदर। और ये है ट्रैक्शन कंट्रोल, जैसे आप ये कहीं ऑफ रोड या कुछ माउंटेंस वगैरह में जाते हो तो ये ऑप्शन काम कर जाएगा आपके लिए, ऑटोमेटिक ब्रेक्स अभी हैंडल करने लगेगी और अच्छे से कंट्रोल करने लगेगी गाड़ी। ये है अपना ऑटो स्टार्ट ऑफ ऑटो स्टॉप एंड स्टार्ट इंजन, ये है फोकस एडजस्टेबल, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 3 लेंथ है इसकी फोकस की। ये है आगे का डैशबोर्ड पूरा, बहुत ही मस्त, एकदम फिनिशेबल, एकदम बेस्ट है, बढ़िया है। और यहाँ पर बॉटल होल्डर दिए गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक छोटा सा होल्डर दिया गया है, यहाँ पर भी स्पेस दी गई है थोड़ी बहुत, छोटी बॉटल्स या कुछ भी आपको रखना हो। ये हैंड ब्रेक और 6 गियर मैनुअल बॉक्स, 1.5 सीसी इंजन, 1500 सीसी का इंजन है, 1.5 लीटर, और बाकी तो 240 एनएम 194 एनएम कुछ टॉर्क है, 190 एनएम टॉर्क, हाँ तो ऐसा कुछ है। सो चलते अभी पीछे, चलते अभी यहाँ पर पीछे। सो ये कुछ ऐसा है, पीछे की प्रोफाइल ऐसी कुछ है यहाँ पर, और डोर भी देख सकते हो कितना बड़ा डोर है, ये विंडो, ये सन वाइज़र ऐसा कुछ दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हो ऐसा निकल सकता है ये। और ये है पावर विंडो बटन, यहाँ पर भी 3-3 बॉटल होल्डर दिया गया है, स्पेस बहुत सी बढ़िया है, एकदम बहुत ही बेस्ट है स्पेस। और इसके साथ हमें पीलो दिए गए, 2 पीलो किया ब्रांड के पीलो, नेक रेस्ट भी दिए गए हमें इसके साथ, और ये 3 लोग आराम से यहाँ पर 6 फीट के 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इतनी बड़ी स्पेस है, लेग स्पेस और हेड रेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया है। सो ये है यहाँ पर पीछे का एसी कंट्रोल, ये देख सकते हो यहाँ पर भी है एसी, यहाँ पर भी है एसी, और यहाँ पर स्पेस दी गई है कुछ रखने के लिए, और यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आप, स्पीड बढ़ा सकते हो फैन की, और यहाँ पर भी हैंडल्स दिए गए हैं। और अभी चलते हैं पीछे, आपको दिखाते हैं पीछे का प्रोफाइल, जो सबसे बढ़िया है इस किया ब्रांड की जो स्पेशल कार है ये, इसी में स्पेस के साथ यानी बूट स्पेस भी दी गई है, लेग रूम अच्छा है। सो वो सब हमें हम आपको दिखाएंगे, पीछे का जो लास्ट रो है वो हम अभी आपको दिखाएंगे। सो इसका जो इंटीरियर है ड्यूल कलर में है, ब्लैक एंड वाइट, बहुत बढ़िया फिनिशिंग है इसका, ये है तो नहीं सॉफ्ट लेकिन बहुत ही मस्त है एकदम, इसकी क्वालिटी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। सो ऐसा कुछ है, यहाँ स्पीकर्स की जो स्पेस है ऐसी हर एक डोर में दी गई है, लेकिन आप बाहर से आफ्टर मार्केट करवा सकते हो।
हर एक डोर के अंदर यहाँ पर भी दी गई है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी है, वो रही ये। और सो ऐसा कुछ है। और एक बात बतानी थी आपको सीट्स क्वालिटी के बारे में, तो सीट्स क्वालिटी जो है बहुत ही सॉफ्ट है और एकदम बढ़िया सी है। इससे पहले जो बेस मॉडल में जो सीट्स दी जाती थी फैब्रिक की दी जाती थी, लेकिन अभी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी बना दी है इन लोगों ने। बेस मॉडल से ही आपको इतनी सारी जो आपकी बेस रिक्वायरमेंट है उससे भी आपको एडवांस बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी। सो यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो। तो ऐसे हर एक हैंडल के अंदर, हर एक डोर के अंदर आपको बढ़िया सी स्पेस दी गई है। बाकी तो अब आपको बता चुका हूँ साइड प्रोफाइल के बारे में, बैक प्रोफाइल और फ्रंट प्रोफाइल। और ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही मस्त रहा है अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, ड्राइव एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया था। सो अभी चलते हैं, यहाँ पर भी सेम प्रोफाइल है और ये फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन इंटीरियर का जो है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर भी ये विंडो का जो सनशेड है वो भी दिया गया है सेम इस साइड भी। ये है सबसे बढ़िया ऑप्शन, जैसे अभी जस्ट प्रेस किया वैसे टंबल हो जाती है पूरी सीट। और पीछे आराम से बैठ के आप, यानी फुल लेग स्पेस है आपको, यहाँ पे लेग रूम भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। अभी चलते हैं अंदर और ये देखिए मेरी हाइट भी कम से कम 6 फीट है। सो ये है यहाँ पर, ऐसे देख लीजिए यहाँ पर लेग रूम कितना बढ़िया है, लेग स्पेस यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत ही मस्त स्पेस है। ये लेग रूम भी बहुत ही बढ़िया है, मेरी डॉटर बैठी है अभी आगे अनन्या। और यहाँ पर भी एसी वेंट्स दिए गए हैं, ये रहा और ये भी है, ये भी रीडिंग लैंप है यहाँ पर सेम। बीच में भी रीडिंग लैंप दिया गया है यहाँ पर, हाँ। और यहाँ पर भी सीट बेल्ट्स वगैरह दी गई है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप फॉलो करते हैं कैसे क्या करना है, सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। और सेम यहाँ पर भी बॉटल होल्डर है, फिर मोबाइल होल्डर है यहाँ पर भी, और सीट बेल्ट्स दी गई है पीछे। और हेडरेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है, एकदम कंफर्टेबल। और ये है नेक रेस्ट, यहाँ पे भी पैसेंजर को, को पैसेंजर जो ड्राइवर के साइड जो बैठता है उसको। और यह पीलो भी दिया गया है बढ़िया सा। और यहाँ पे पीछे बहुत ही बढ़िया स्पेस है, यहाँ पर 6 फुट का आदमी आराम से बैठ सकता है लॉन्ग जर्नी के लिए। तो ऐसा कुछ है ये किया कैरेंस के बारे में, बाकी तो मैंने आपको सभी डिटेल्स दिखा दी है आपको बढ़िया सी। तो अभी मैं पीछे लास्ट रो में ही बैठा हूँ मैं। और अभी आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को, इस चैनल को, इंडियन मोटो एडवेंचर। सो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करिएगा। सो इसी किया कैरेंस के बारे में, आफ्टर ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया पूरा, और मंथ के बाद का जो रिव्यू है आपको मैंने दिखाया है। हाँ, इसका जो बैक प्रोफाइल है यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया स्पेस दी गई है यहाँ पर, देख सकते हो आप लगेज स्पेस कितनी बढ़िया है। और ये अगर आपको सीट्स गिरा के आपको और ज़्यादा लगेज रखना हो तो 600 लीटर स्पेस है, और बाकी 210 लीटर स्पेस है, दो बड़ी बैग आराम से आ जाएगी यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया स्पेस है, मस्त एकदम। सो ये ऐसा कुछ है बैक प्रोफाइल। चलिए, और सो आपको कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। हाँ, मेन माइलेज के बारे में आपको बताना चाहता था, तो माइलेज मुझे कम से कम इन सिटी विथ एसी मुझे मिली है 16 किलोमीटर पर लीटर, और बाकी जो हाईवेज़ पे जो मिली है और जो माउंटेन्स के अंदर जो मुझे मिली है करीबन 17 से 18 की एवरेज मिली है मुझे, बहुत ही मस्त है एकदम। और ये है अपनी किया कैरन 2024 मॉडल, फेब्रुआरी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो, और किया की भी बहुत ही मस्त ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पर भी सिल्वर जैसा कुछ क्रोम है, यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल ही बहुत ही बढ़िया है,
और क्या क्या है इसके बारे में मैंने आपको सभी डिटेल्स बता दिए, एक से एक डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अगर कुछ बाकी रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके। और सो ये है किया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। तो मैं आपके लिए ये आफ्टर वन मंथ का जो रिव्यू है वो मैंने आपको दिखा दिया। अभी नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा सीधा 6 महीने के बाद, अगर इन बिटवीन कुछ रहता है तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए ओके, सी यू देन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।